खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। बस्सी मेडिकल कॉलेज में तैनात डॉक्टर जीडी यादव को 5 साल पहले मिर्जापुर की सामना सिंह से प्यार हुआ। पहली मुलाकात के बाद प्यार परवान चढ़ा और प्रेमिका सब कुछ छोड़कर डॉक्टर के पास आ गए। डॉक्टर ने शादी और नौकरी का लालच देकर लड़की को अपने जाल में फंसा लिया। अब 5 साल बाद डॉक्टर ने ना तो शादी की न ही प्रेमिका को नौकरी दिलवाई, घर का खर्च भी बंद कर दिया। मजबूरन अपना और बच्चे का पेट पालने के लिए डॉक्टर की प्रेमिका सब्जी बेचने को मजबूर है। पेश है खास रिपोर्ट। बस्सी मेडिकल कॉलेज के कैली हॉस्पिटल में तैनात डॉक्टर जीडी यादव पर उनकी प्रेमिका साधना ने प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। यहां तक कि खाने पीने का सामान तक बंद करा दिया है, जिससे डॉक्टर की प्रेमिका दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। पैसा न होने की वजह से डॉक्टर की प्रेमिका ने अपना और बच्चे का पेट भरने के लिए सब्जी बेचने का निर्णय लिया। आपको बता दें कि डॉक्टर का संपर्क फेसबुक से मिर्जापुर की साधना से हुआ। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ने लगा। डॉक्टर अपनी प्रेमिका से पहली बार मिलने मिर्जापुर गए, जहां पहली मुलाकात के बाद प्यार और परवान चढ़ा। डॉक्टर की प्रेमिका अपना घर बार छोड़कर डॉक्टर से साथ रहने कानपुर चली आई। 1 साल तक दोनों कानपुर में रहे। डॉक्टर का ट्रांसफर बस्सी हो गया तो अपनी प्रेमिका को लेकर बस्सी चले आए और मेडिकल कॉलेज के सरकारी आवास में रहने लगे। डॉक्टर ने अपनी प्रेमिका को शादी और नौकरी करने का झांसा दिया। समय बीतता गया। डॉक्टर ने ना तो शादी की न ही प्रेमिका को नौकरी दिलवाई। जब प्रेमिका ने डॉक्टर पर शादी का दबाव बनाना शुरू किया तो डॉक्टर उससे प्रताड़ित करने लगा। प्रेमिका का आरोप है कि डॉक्टर रोज रात में शराब पीकर घर में आते हैं, मारपीट और गाली गलौज करते हैं, घर में राशन दूध तक बंद करा दिए हैं, बच्चे का स्कूल में एडमिशन तक नहीं करा रहे हैं। प्रेमिका का कहना है कि बच्चा डॉक्टर का है, लेकिन डॉक्टर अपना बच्चा मानने से इनकार करते हैं। प्रेमिका ने प्रेमी डॉक्टर की माँ पर भी प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि एक दिन डॉक्टर की माँ आई और उससे बुरा भला कहकर घर से निकाल दिया, जिसके बाद वो अपने पड़ोसी के यहाँ रह रही थी। प्रेमिका का आरोप है कि डॉक्टर 2 बार लड़कियों को लेकर भी घर पर आया, मेरे विरोध करने पर घर से निकल जाने के लिए कहा, लेकिन मैं भी अपना सब कुछ छोड़कर इनके पास आई थी, इस वजह से मैंने इसे हार कर अवॉइड कर दिया। वहीं प्रेमी डॉक्टर जीडी यादव ने कहा कि फेसबुक के माध्यम से मेरा संपर्क हुआ था, अपने आप को LIC का एजेंट बताया, बीमा कराने को लेकर बातचीत शुरू हुई। जब इसने मुझे डॉक्टर जाना तो एक दिन अपनी माता को इलाज के लिए मेरे पास लेकर आई। इसने अपनी गरीबी और मजबूरी बताई, मैंने इसे अपनी नौकरानी के तौर पर घर पर रख लिया, 15 से 20 हजार महीने सैलरी पर रख लिया। डॉक्टर ने इमोशनल होते हुए कहा कि ये पहले से शादीशुदा है, एक बच्चे की माँ है, इसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू किया। मैंने जब पैसा देने से इनकार किया तो मुझे फंसाने की धमकी देने लगी, मेरे घर और बेडरूम पर कब्जा कर लिया, मैं घर छोड़कर चला गया। चौकी इंचार्ज सोनू पार के साथ जाकर मैंने अपना सामान घर से निकाला। डॉक्टर ने कहा कि मेरी जान को खतरा है। वहीं पुलिस का इस मामले पर कहना कि साधना नाम की महिला ने अपने पति जीडी यादव और उनकी मां के खिलाफ मारपीट की तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की विवेचना की जा रही है, जो भी तथ्य निकल कर सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम साधना सिंह है, मैं मिर्जापुर की रहने वाली हूँ। मैं इनसे 5 साल पहले मिली थी, ये मेरे पास आए थे मिर्जापुर, तो उन्होंने बोला कि हम तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे और तुमसे हम शादी भी करेंगे और चलो मेरे साथ। तो फिर मैं अपना घर छोड़ के सब कुछ, सबसे रिश्ता नाता तोड़ के, और मैं इनके पास 1 साल मैं कानपुर में रही इनके साथ। और फिर उसके बाद अब 4 साल से मैं कैली हॉस्पिटल जो कॉलोनी वहाँ पे रह रही हूँ। तो अभी मेरा रिश्ता ऐसे ख़राब हुआ, मैं उनको बोली कि मेरे को अपनी वाइफ बनाओ और फिर RN की एडमिशन कराओ, तो कुछ भी मतलब घर में कुछ भी नहीं करना है। फिर उसके बाद डेली आएंगे पीकर तो मुझे टॉर्चर करते हैं और मार, मैं बोल भी नहीं पा रही कितना वो गंदा मुझे बोले कि तुम कुछ भी कर लो। इनकी पहली शादी हुई थी तो बोले हम जज को खरीद लिए तो फिर तुम क्या कर लोगी, तुम्हारा तो कोई सहारा भी नहीं है, कुछ नहीं कर लोगी, 10 लोग के नीचे सोओगी तब भी कुछ नहीं कर पाओगी। इतना गंदा गंदा बोले और बोले दूध दूध घर में बच्चे का आ रहा था, सब कुछ बंद करा दिए और मैं अभी बस घर में रह रही हूँ। बोले कि हम यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे और सरकारी क्वार्टर है, फिर उसके बाद सरकार तुमसे खुद ही खाली करवा लेगा। तो फिर हमें
मेरा मतलब दो बार हम उनको घर में लड़कियों के साथ पकड़े थे, फिर उसके बाद बोले तुम्हें पता चल गया ना तब तुम यहाँ से चली जाओ। उनके गांव की ये लड़की थी, फिर दबाती आई, मुझे लगा कि मेरा कोई है नहीं तो ठीक है मैं वो भी सहन कर लूंगी। फिर मैं ये सब सहन करते 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 लेकिन अति हो गया। फिर मैं पुलिस के पास गई, बोले कि तुम जाओ, बहुत गंदा बोल के मुझे भेजे। फिर मैं पुलिस के पास गई, 12 बजे से मैं वहाँ थी, पुलिस मेरा FIR नहीं ले रहा था। फिर उसके बाद यहाँ पे कोतवाली में शॉप पे मना कर दिए कि उसको कुछ मत देना और मेरी कुछ नहीं है, और फिर दूध वाले को मना कर दिया, बस मेरे पास छत है रहने के लिए। वो बोले कि हम जल्दी खाली करा लेंगे और हम यहाँ से अपना वो दे के, उन्हीं का बच्चा है और लेकिन बोलते हैं मेरा बच्चा नहीं है। मैं इलाज के सिलसिले में बस्ती से बाहर हूँ, मेरे संज्ञान में आया है कि एक महिला मेरे ऊपर अनर्गल आरोप लगा रही है, जो कुछ सालों पहले फेसबुक से मुझे मिली थी और यह बताई कि मैं LIC एजेंट हूँ, और कुछ दिनों बाद बात करने के बाद फिर बात करती रही हमसे कि आप LIC करा लीजिए। और फिर जो है मैं ये सब जब ये जानी कि मैं डॉक्टर हूँ, तो इसने अपने माताजी को इलाज के बहाने मेरे घर पर लेकर के आई, और मैं जो है डॉक्टर GM शुक्ला को उस समय दिखवा दिया, और उसके बाद अपनी परिस्थितियाँ मुझसे बोली कि मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे जो है कोई काम नहीं है, और बच्चे का कूटरचित जन्म प्रमाण पत्र भी बनवा ली है। मैं अपने पक्ष में ये कहना चाहता हूँ कि इस महिला से मुझे जान को बहुत खतरा है, इस वजह से मैं पुलिस प्रोटेक्शन में एक दिन घर अपना सामान लेने गया था, चौकी प्रभारी सोनू पार को लेकर के, और अपना सामान लेकर के मैं बाहर रह रहा था। मुझे ये डर है कि मुझे और बहुत सारी चीज़ों में ये फंसा सकती है और मेरी जान, मेरी जीव हत्या भी करा सकती है। मैं बहुत डरा हुआ हूँ, मैं प्रशासन से चाहता हूँ कि मेरी मदद की जाए, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मेरा सारा करियर बर्बाद कर चुकी है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। मैं कहीं उसे मारपीट घर से निकाल दिया, वो सब्जी बेचने पर मेडिकल कॉलेज के गेट पर मजबूर, उसके खाने पीने नहीं, पर क्या कोई पुलिस ने FIR दर्ज किया, से क्या कार्रवाई करेगी? नहीं, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है कि वो सब्जी बेच रही है या किसी अन्य व्यवसाय में संलग्न है। दिनांक 28/9/2021 को साधना यादव, वाइफ ऑफ डॉक्टर GD यादव, निवासी कैली हॉस्पिटल ने एक अभियोग अपने पति डॉक्टर GD यादव व उनकी मां के ऊपर मारपीट करने और मोबाइल तोड़ने के संबंध में लिखाया है, जिसके संबंध में थाना कोतवाली पर मुकदमा अपराध संख्या 345/41, धारा 323, 504, 506, 427 IPC पंजीकृत हुआ है, जिसकी विवेचना सोनू पर चौकी इंचार्ज राम भवन प्रजापति द्वारा की जा रही है। विवेचना से ही अन्य तथ्यों की पुष्टि हो पाई। अभी विवेचना प्रचलित है, उसके बाद ही कोई कार्रवाई होगी। डेस्क रिपोर्ट, खबर UPI।